तो दोस्तों पहले की तरह आ चुके हैं ऐसे एप्लीकेशन को लेकर जिसमें कि मैक्सिमम लोन की अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर पूरे 60,000 रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जरिए से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से ये लोन एप्लीकेशन ये काम करती है और ये किन सिटी में लोन सर्विस देने वाली एप्लीकेशन है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर लाइव विद प्रूफ के साथ आपको बताने वाले हैं, साथ साथ ये भी बताएंगे किस तरह से एप्लीकेशन के अंदर हमें यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना होगा, क्या क्या चीज़ यहाँ पर प्रोसेस देखने के लिए हमें मिलेगा, किस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया करेंगे और किस तरह से हमें यहाँ पर कितने के लिमिट्स मिलेगी इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यानी कि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोन एप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप किए जाते हैं और किस सिटी में लोन सर्विस देने वाले, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद ही दोस्तों लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को करिएगा लाइक, हमारे चैनल पे पहली बार आया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो आज की वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंपॉर्टेंट होने वाले लोन एप्लीकेशन उन भाई लोगों के लिए जो मैक्सिमम लोन की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं 60,000 रुपए लोन के बारे में कि किस तरह से आप यहाँ पर 60,000 रुपए लोन अमाउंट अपने बैंक खाते में ले सकते हैं इंस्टेंट। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर लाइव विद प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि मुझे कितने की लिमिट्स मिली है और किस तरह से यहाँ पर लोन एप्लीकेशन ये काम करते हैं, किस तरह से यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, सारे जानकारी कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी सिटी में एप्लीकेशन ये काम करती है और कौन से एप्लीकेशन के अंदर हमें सारे प्रोसेस करने होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का नाम है कैशबुल, जो कि यहाँ पर बेटर क्रेडिट लिमिट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे आप यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर प्राइवेसी और पॉलिसी को बहुत आराम से अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपसे कुछ परमिशन भी लिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आप यहाँ पर डिटेल्स देंगे आपका सेफ एंड सिक्योर रहने वाली है, आपको किसी तरह कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से यहाँ पर लोन एप्लीकेशन काम करते हैं और किस तरह से हमें यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर टर्म कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने के बाद यहाँ पर आई वाले बटन के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर लेना है, यानी एग्री कर लेनी है और इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ परमिशन भी दे देनी होगी। चलिए सारे परमिशन देने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है यहाँ पर कैशबुल के अंदर आपको सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर वेरिफिकेशन करानी होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा यानी लिंक होंगे आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, वही नंबर यहाँ पर देने का कष्ट कीजिएगा। फिलहाल मैंने वही नंबर यहाँ पर डाला है और यहाँ पर ओटीपी के जरिए से आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करा लेनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ओटीपी का वेट कर रहा हूँ। फाइनली यहाँ पर देख सकते हो ओटीपी तो आ चुकी है और यहाँ पर ओटीपी को कुछ इस तरह से यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद लॉगिन वाइवा ओटीपी वाले बटन के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर लेना है। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 6 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पर चूज करनी होगी, यानी क्रिएट करना होगा ताकि जब भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप उसी पासवर्ड के जरिए से लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों कर लेनी है यहाँ पर सबमिट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 35,000 रुपये की लिमिट्स अभी फिलहाल दिखाई जा रही है 60,000 के अंदर में। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से यहाँ पर लोन्स के लिए हमें अप्लाई करना है। तो वन बाय वन चीज़ें ये पहले देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स को एवेल्यूट किया जाएगा कि आपको लिमिट्स कितनी मिलनी चाहिए, उसके बाद ही दोस्तों अपने लोन अमाउंट को बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो 4 स्टेप में एप्लीकेशन ये कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा, फर्स्ट नेम आपका जो होगा पैन कार्ड के अंदर में वो नाम देने होगी, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका फादर नेम, मदर नेम, जेंडर और साथ साथ यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देनी होगी जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। ठीक है, जो भी आधार कार्ड में आपका नाम होगा वही चीज़ें आप यहाँ पर देने का कष्ट कीजिएगा। उसके बाद एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा लेनी है। तो दोस्तों जैसे आप इतनी सारी डिटेल्स फिलअप करते हैं तो आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं वर्क इन्फॉर्मेशन भी। तो आप यहाँ पर वर्क इन्फॉर्मेशन में किसी भी तरह से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मंथली सैलरी क्या वो चीज़ें डालनी होगी, आपकी किस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी का यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल के जरिए से पेमेंट रिसीव करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फिलअप कर लिया है। यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर एड्रेस भी आपको देनी पड़ेगी जो भी आपकी कंपनी होगी। तो मैं फिलहाल यहाँ पर सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पैन कार्ड के जरिए से मुझे यहाँ पर 6,000 रुपये की फाइनली यहाँ पर लिमिट्स मिल चुकी है। यहाँ पर लोन एलिजिबिलिटी मुझे मिल चुकी है, यानी अब लोन एप्लीकेशन
पूरे तरीके से यहाँ पर फिलअप करनी होगी। जैसे मुझे यहाँ पर कोई क्रेडिट मिलेगी, यहाँ पर लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा, उसके बाद ही दोस्तों अपने बैंक खाते में लोन अमाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। दोस्तों इस लोन को लेने के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू अप्लाई वाले बटन के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर लेना है और यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर करानी होगी। यहाँ पर जैसे कि यानी पैन कार्ड का फ्रंट कॉपी आपको देनी होगी, साथ साथ यहाँ पर एक सेल्फी देना होगा और एड्रेस प्रूफ के तौर पर यहाँ पर वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट यहाँ पर दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड का यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सारे डिटेल्स पहले फिलअप कर ले रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट कार्ड हो गया है, पैन कार्ड का, पैन कार्ड नेम यहाँ पर देख सकते हैं, साथ साथ यहाँ पर सेल्फी मैंने दिया है और यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी, बैक कॉपी अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर कर दिया है और यहाँ पर इनपुट कार्ड इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, यानी कि आधार कार्ड का नंबर। तो इस तरह से यहाँ पर सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग हो रही है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को स्किप कर दे रहा हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर बात आती है आधार नंबर वेरिफिकेशन कराना होगा, यानी कि आपका आधार नंबर होंगे और यहाँ पर सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे यहाँ इसके ऊपर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी आधार डाटा जो भी होगी आपकी ऑनलाइन यहाँ पर वेरिफिकेशन होने वाली है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर करेंट एड्रेस, पिन कोड आपको देनी होगी, स्टेट, सिटी, एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल्स देना होगा, मैरिटल स्टेटस आपको बतानी होगी और प्रीफर्ड लैंग्वेज आपको यहाँ पर चूज करना होगा। फिलहाल उसके बाद सारी डिटेल्स यहाँ पर मैं पहले फिलअप कर ले रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद नीचे से कंटिन्यू करते हैं तो अब आपको यहाँ पर देनी होगी अदर इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि यहाँ पर अर्जेंट कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। आप किसी भी फादर्स का, मदर्स का नाम है यहाँ पर दे सकते हैं या फिर अपने भाई बहन का किसी का भी नाम नंबर आपको प्रोवाइड कराना होगा। सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिलअप कर लिया है और नीचे से यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू कर लेना है। इसके ऊपर जैसे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुका है, यहाँ पर आपको अप्रूवल के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया जीनियन एप्लीकेशन, जो कि ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेशन ये काम करती है। यहाँ पर किसी तरह कोई सैलरी स्लिप नहीं देना होता, ना कोई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, सिर्फ आधार पैन के ऊपर ये लोन एप्लीकेशन काम करती है। तो दोस्तों मुझे जैसे अप्रूवल मिलती है मैं अगले वीडियो में आपको लाइव विद प्रूफ के साथ, पेमेंट के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से एप्लीकेशन के अंदर हमें लोन एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम वीडियो दोस्तों लाइव विद प्रूफ के साथ मैं वीडियो लाते रहता हूँ। विश्वास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर चेकआउट कीजिए। दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है और सिंपली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है कैशबुल एप्लीकेशन के नाम से, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, उस लिंक के जरिए से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम वीडियो दोस्तों लाइव विद प्रूफ के साथ मैं वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों लोन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए से कैसे लोन अमाउंट अपने पेटीएम वॉलेट से आप किसी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट कीजिए। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट है या फिर सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से आधार कार्ड और सिर्फ पैन कार्ड के जरिए से लोन अमाउंट इजीली ले सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट जरूर कीजिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए एप्लीकेशन के साथ, आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।